तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कुछ भी मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने ऊपर आई बटन में एक पोल दिया है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जाके उसे आंसर करें दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा आसानी होगा कि मैं इसमें थोड़ा सा फीडबैक कलेक्ट करके मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। तो दोस्तों, नोकिया ने लॉन्च किया है अपना नया मोबाइल नोकिया 6। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोन लास्ट ईयर भी लॉन्च हुआ था, ग्लोबली लॉन्च हुआ था ये फ़ोन लास्ट ईयर भी, नोकिया 6 जो कि 2017 वाला वेरिएंट है। इस साल फिर से नोकिया ने 2018 वाले वेरिएंट के साथ इस फ़ोन को रिलीज़ किया है और जल्दी से देखते हैं इसके क्या है इसके खास स्पेसिफिकेशन और नोकिया क्या इसमें कुछ न्यू फीचर्स लाया है आपने, अगर हम इसे कंपेयर करें तो उनके पुराने वाले नोकिया 6 जो कि लास्ट ईयर का वेरियंट था। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो इसमें कैमरा क्वालिटी है यह आपको मिल जाता है कुछ 16 और 8 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट कैमरा दोस्तों, जो कि लास्ट ईयर वाले फ़ोन में भी सेम था। दोस्तों अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो यह आता है आपको 3000 mAh के साथ, जो कि लास्ट ईयर भी सेम था। दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यह आता है आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, वो भी सेम था। तो दोस्तों हम अगर इसके कैमरा जो कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो उसका बात करें तो यह आता है आपको 1920x1080p के साथ, जो कि लास्ट ईयर भी सेम था। बस यहाँ पे कुछ नोकिया ने थोड़ी सी जगह में बस अपग्रेड कर दिया, जो उसका फिंगरप्रिंट्स का है, जो उसका होम बटन पे जो फ्रंट होता था उसको पीछे कर दिया है, जो कि कैमरा के जो बिल्कुल नीचे होता है वहाँ पे लेके चला गया है उस पर। यहाँ पे हम अगर प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर, जो कि क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, इसीलिए ये नए फ़ोन में आपको क्विक चार्जिंग भी मिलेगा दोस्तों, जो कि आपको पुराने फ़ोन में क्विक चार्जिंग नहीं मिलता था। यानी कि क्विक चार्जिंग यानी कि आप इसे फास्ट चार्जिंग भी कह सकते हैं। इसे अपनी कैमरा क्वालिटी को 24 मेगापिक्सल के तक बड़ी आसानी से सपोर्ट करता है दोस्तों। बस नोकिया ने इस बार उसी सेम 16 और 8 मेगापिक्सल पर ही रख चुका है दोस्तों। ये जो स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर है, ये बढ़िया आसानी से 4K तक वीडियो रिकॉर्ड करने की इसमें क्षमता है दोस्तों, फिर भी नोकिया ने इसको 1920x1080 तक ही रख दिया है। जो आजकल फ़ोन्स आ रहे हैं जो कि लेटेस्ट जो अभी इसी प्रेजेंट में फ़ोन्स मिलते हैं, वो आता है आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, फिर भी नोकिया ने इसे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही लॉन्च कर दिया है। ये नोकिया ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है दोस्तों। अगर इसमें बैटरी बैकअप आपको 4000 mAh तक मिल जाती तो ये फ़ोन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड कर देता, लेकिन इसमें कुछ भी ढंग का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हम अगर इसकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह आता है आपको एंड्रॉयड 7.1 नोगट के वर्जन के साथ, जो कि पुराना वाला हुआ है दोस्तों। अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अगर एंड्रॉयड ओरियो 8 के साथ लाता तो ये बहुत ही बड़ा धूम मचाता दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप इस आई बटन को क्लिक कर आप हमारे पोल को आंसर कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक फीडबैक की तरह दोस्तों, ताकि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ दोस्तों। प्लीज़ आप इसमें हॉनेस्टली आंसर कीजिए और धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।